जैसे मैंने मटेरियल में लिखा था, सीजर, पेपर कटर ये भी रिक्वायर्ड है, स्केल भी रिक्वायर्ड हियर टुडे, अ प्रॉपर शार्प सीजर और पेपर कटर दैट वी विल रिक्वायर्ड हियर टुडे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर टुडेज क्लास। फॉर टुडेज क्लास प्लीज होल्ड योर पेज इन अ स्लिपिंग वे। आपको स्लिपिंग में आप पेज को होल्ड करना है। होल्ड योर पेज इन अ स्लिपिंग वे। मैम, कैन वी नॉट टेक आवर बुक्स? व्हाट? बुक्स बुक्स नहीं ले सकते क्या, या पेज पे ही ले करना है? सकते हो बेटा, बट उसको बाद में कटिंग करना है ना, वो कैसे करोगे? या बुक का फिर पेज टेयर करके ले लो। ठीक ठीक है मैम, मेरे पास है बहुत सारे A4 पेपर्स, मैं वो ले है, आता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले आपको पेज का सेंटर निकालना है और उसमें से एक रैंडमली स्टैंडिंग लाइन को ड्रॉ करना है। मैम, सबसे पहले पेज का सेंटर आपका स्क्रीन निकालो। नहीं है बेटा, मैं दो डिवाइस से चेक कर रही हूँ। आपको लग रहा है तो आप एग्जिट होके फिर से कनेक्ट हो जाओ। सबसे पहले पेज का आपको सेंटर निकालना है और वहां से आप एक लाइन मार्क बनाओगे रैंडमली। नो नीड टू यूज योर स्केल पार्ट। आफ्टर दिस After this, first we are going to make here a bird upside. Bird का picture बनाएंगे। Bird का picture बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे upside से, page के upside से around 2 finger का distance छोड़ना है। Leave 2 finger distance from the upside of the page. Make a small circle here. मैम, क्वालिटी खराब है। बेटा आप लीव होके फिर से कनेक्ट हो जाओ। प्रॉब्लम आपके साइड में है, बाकी सबको क्लियर है। फिर पेज के टॉप से आपको 2 finger डिस्टेंस छोड़ना है एंड मेक अ स्मॉल सर्कल हियर। सर्कल है आपका अराउंड 3 finger का। 3 finger का सर्कल होने के बाद उसके सेंटर से थोड़ा सा नीचे आप और एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करोगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू मेक यू अ स्मॉल बिग इन द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के ऊपर छोटा सा बिक ड्रॉ करोगे आप, अ ट्रायंगल शेप हियर, अ ट्रायंगल शेप ऑन द सेंटर लाइन दैट इज फॉर द बिक। इन द कॉर्नर्स वी आर गोइंग टू मेक अ स्मॉल सर्कल फॉर द आईज। आईज होने के बाद सबसे पहले हम लोग इसके लेग्स ड्रॉ करेंगे। लेग्स ड्रॉ करने के लिए आपको सेंटर लाइन के वन साइडेड एक स्लांट लाइन बनाना है और दूसरे साइड और एक स्लांट लाइन बनाना है। ये सारा पिक्चर आप थोड़ा लाइटली ड्रॉ करोगे। After this legs, take here V shape. Downside of the slanting line, take a V shape.
After that, first we are going to make here the downside tail part. Downside का tail part draw करने के लिए आपको leg से थोड़ा distance छोड़ के एक slant line बनाना है. Downside का wings draw करने के लिए leg से थोड़ा distance छोड़ो. Make a slant line over there. Then on the right hand side again make a slant line. Right or left दोनों side में slant lines बनाए. दोनों साइड के स्लांट लाइंस होने के बाद आपको फेदर ड्रॉ करना है. और ये टेल का फेदर ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ पे ऐसे बम्पटी कर्व लेके एक लाइन अंदर लोगे. लाइक दिस यू आर गोइंग टू मेक योर द फेदर बम्पटी एंड टेक अ लाइन अप. बम्पटी एंड टेक अ लाइन अप. नॉर्मल बम्पटी भी ड्रॉ कर लो तो भी चलेगा. इसके बाद हम लोग इस बर्ड के विंग्स बनाएंगे. विंग्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस सर्कल के राइट साइड में यहाँ पे पेंसिल होल्ड करो. सेंटर लाइन आपका यहाँ है, यहाँ से आपको थोड़ा इधर पेंसिल होल्ड करना है. टेक अ लाइन अप. टेक अ लाइन अप और उसे माउंटेन जैसा कर्व लेके नीचे की तरफ लेना है. अपसाइड and then a mountain line like this and take it downside. Ma'am, have you connected the line to top of page? Hardly 1 or 2 mm place is there, beta. If you want to connect, you can connect. Okay. मैम वो बड़ा सर्कल किसके लिए? उसका बॉडी है बेटा. बर्ड जो है वो झुका हुआ है. बर्ड कंप्लीट ड्रॉ करने के बाद समझ जाएगा. ओके सो वन साइडेड विंग पार्ट डन. आफ्टर दैट सेम विंग अपसाइड पार्ट वी आर डूइंग ऑन अपोजिट साइड. अप एंड देन डाउन लाइक अ माउंटेन. कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? ऊपर नीचे हुआ चलेगा या नहीं चलेगा? क्या चलेगा मुझे नहीं समझा बेटा. मैम एक मिनट, हेडफोन चेंज कर रहा था. मैम ऊपर मतलब वो जो विंग्स है वो ऊपर नीचे हुए तो चलेंगे क्या? नहीं चलेंगे ना. ऊपर टच हुआ तो भी चलेगा, नहीं टच हुआ तो भी चलेगा. बोथ आर फाइन. प्लीज म्यूट द माइक. ये दोनों साइड के उसके विंग्स का अपसाइड पार्ट डन हुआ. अब अपसाइड पार्ट डन होने के बाद हम लोग रैंडमली फर्स्ट एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि उसका विंग कहाँ तक आएगा. दोनों साइड के अपसाइड लाइक अ माउंटेन लाइंस वी फिनिश्ड हियर. देन वी आर गोइंग टू टेक ओनली अ सिंगल लाइन फॉर द डिसाइडिंग द प्लेसमेंट ऑफ द विंग्स पार्ट. तो प्लेसमेंट लेने के लिए हम लोगों ने यहां से बड़ा
एंड देन वील कनेक्ट दिस विंग्स दिस साइड डाउन साइड लाइक दिस. सी फ्रॉम डाउन साइड अप स्मॉल कर्व कनेक्टेड. यस मैम आई कैन सी योर वीडियो. यू नीड टू पिन. पिन किया आपने कृष्णा. व्हाट मैम पिन करके देखो या मीटिंग लीव करके फिर से कनेक्ट हो जाओ. ओके मैम. ऐसे ही सेम विंग हम लोग सेकेंड साइड में भी करेंगे. तो सेकेंड साइड के लिए आप यहाँ पे पेंसिल रखोगे फिर से. टेक अ लाइन आप स्मॉल टर्न एंड कनेक्टेड हियर. ये बर्ड का पार्ट मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है. एक बार आप लोग चेक कर लो आपका बर्ड. टीचर हाँ दोनों सेम इतना ही है. सेम इतना ही है. सेंटर पासून स्केल पकड़. सेंटर पासून या बाजूला किती मेजरमेंट आहे चेक कर असं. आणि पॉइंट करून इथे मेजरमेंट घे आणि मग ड्रॉ कर. मी चेक केलं तरी पण ते मला असं बघितलं तर ते ओके नाही वाटत आहे. स्केलने चेक कर. स्केलनी मेजरमेंट घे म्हणजे बरोबर येईल. मम्मी दाखव. कृष्णा प्लीज म्यूट युअर माइक. माइक ऑफ करो जिस जिसका माइक ऑन है प्लीज. हॅलो मॅम. येस मॅम नाव आय कांट सी युअर व्हिडिओ. बेटा आप पिन करके देखो मैं जहां से बात कर रही हूँ वहां पे प्रॉब्लम आपके साइड प्रॉब्लम है बेटा. बाकी सब बच्चों को दिख रहा है. अवधेत ग्रंथा बराबर है. बर्ड इतना होने के बाद आपको सबसे पहले जो आपका मिडल लाइन है वो मिडल लाइन को आपको इरेज करना है. आपका जो सेंटर का मिडल लाइन है उस मिडिल लाइन को आप इरेज करोगे. बर्ड में से टीचर माझा बर्ड ओके आहे का. हाँ ठीक है ना श्रीजा. ओके ये जो विंग का हम लोगों ने शेप बनाया है उस शेप को हम लोग पहले कुछ कर्व्स ले लेंगे. आप कर्व्स किस तरीके से लोगे. इस कॉर्नर से आपको जो पहले रैंडम लाइन मार्क बनाया है उसे लाइट करो और इस कॉर्नर से आपको ऐसे बम्पटी कर्व्स लेना है. होल्ड योर पेंसिल ऑन फर्स्ट कर्व. टेक अ कर्व एंड टेक दिस लाइन अपसाइड. ऐसा करके आपको बर्ड का पूरा विंग यहाँ पे कंप्लीट करना है. जो हम लोगों ने एक लाइन मार्क बनाया है उसी के ऊपर अगर आप ऐसा कर्व लेके कंप्लीट करोगे तो और परफेक्ट लुक आएगा. आपको क्या करना है जो हम लोगों ने लाइन मार्क बनाया है उसे थोड़ा सा पेंट करना है. आप उसे थोड़ा सा पेंट करोगे. पेंट करने के बाद आपको बम्पटी कर्व्स के साथ एक लाइन को ऊपर के साइड में स्ट्रेच करना है. इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज लुक एट माय स्क्रीन. मैं आपको दूसरा विंग दिखा देती हूँ एक बार. अगर किसी को यहाँ पे कुछ डाउट है तो प्लीज लुक एट माय स्क्रीन. विंग बनाने के लिए पहले ये नीचे वाला मार्किंग लाइन मैंने थोड़ा सा इरेज किया. ये अब मुझे दिख रहा है आपको नहीं दिख रहा है. जहां पे मुझे दिख रहा है वहीं पे मैं ऐसे बम्पटी कर्व्स लूंगी पहले और एक लाइन मार्क को इनसाइड में टर्न करूंगी.
अब फिर से सिर्फ आपको ऐसे टर्न टर्न लेके इस विंग्स को कंप्लीट करना है लाइक दिस। मैम कर्व्स जो है वो हमने छोटे छोटे बनाने हैं या बड़े बड़े बनाने? नॉर्मल बेटा, बहुत छोटा नहीं बहुत बड़ा नहीं। आपका पेंसिल ऐसे टर्न करो सिर्फ, हो जाएगा। मैम इतना ठीक है? हाँ ठीक है। ओके ग्रंथा। मैम फेदर्स बनाने के बाद हम नीचे की लाइनें रेज कर सकते हैं? नहीं, नीचे हम लोग को शैडो बनाना है उसका, तो पहले शैडो बना लेंगे, उसके बाद हम लोग लाइन मार्क को इरेज करेंगे। नहीं मतलब मैम जो मेरा हम ठीक है? फेदर्स बैलेंस कर रहे हैं उसके ऊपर। बेटा नीचे के स्टैंडिंग लाइन के ऊपर यहाँ पे हम लोग शैडो बनाने वाले हैं। नहीं वो नहीं, फेदर्स के नीचे। हाँ आपको करना है तो कर सकते हो। यस मैम मेरा ठीक है? आयुषी मेश्राम अच्छा लग रहा है। आरको हाँ अच्छा है। ओके प्लीज म्यूट द माइक आरको। हाँ अब हम लोग यहाँ पे पहले शैडो बना लेते हैं। यहाँ पे आप शैडो किस तरीके से बनाओगे? शैडो बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसी सेंटर लाइन पे आपको एक सर्कल बनाना है। थोड़ा सा ऊपर बनाओ, एक सेकेंड है। अराउंड 3 फिंगर स्पेस को छोड़ो और फिर उसके ऊपर आप सर्कल बनाओ। टीचर टीचर हाँ बोल श्रीजा पटकन। इतना जाऊंगा पास घर में जो 3 फिंगर थी गैप सोली सर, इतना वर्ती खूब सारे जागा रहती है। हाँ राहु दे ना, काही नाही होत। राहु दे, ठीक है जागा राहिली तरी चालेल। छोटा सा सर्कल बनाया। अब जो सर्कल बनाया है उससे छोटा सर्कल बनाया, उसके बाद इसको बिग का शेप दिया। सर्कल बनाया उसके बाद बिग वाला शेप दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे हाफ सर्कुलर जैसा पार्ट बनाना है। हाफ सर्कुलर पार्ट होने के बाद आप यहां से एक लाइन हल्का सा अपसाइड लोगे एंड देन टेक दैट लाइन डाउन साइड। सेम लाइन आप अपोजिट डायरेक्शन में भी ड्रॉ करोगे, हल्का सा लाइन डाउन साइड। बहुत माउंटेन का फील नहीं आना चाहिए, एकदम थोड़ा सा। और उसके बाद ये लाइन आपका डाउन साइड में।
मैम यस मैम हमारे मतलब मैं जेल पेन के इससे अपना सकुरा बैकग्राउंड पेन यूज कर सकता हूँ बेटा? पहले आप ड्रॉ कर लो ना पूरा, फिर मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ ना। ड्रॉ कर ले, सबका लिंक टूट जाता है, वो बीच में कुछ हुआ ना बाकी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ओके इसके बाद हम लोग सबसे पहले ये जो स्टैंडिंग लाइन है, अगर वो आपका इरेज हो गया है तो उसको इंक्रीज कर लो। यहाँ पे शैडो बनाने के लिए आप मिडिल लाइन पे पेंसिल रखोगे, थोड़े से डिस्टेंस के बाद मिडिल लाइन पे, एंड टेक अगेन अप एंड डाउन लाइन एंड कनेक्टेड हियर लाइक दिस। मैम मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है तो क्या करूं? बेटा आपके पास जितना स्पेस है वैसा थोड़ा सा छोटा बड़ा करके आपको एडजस्ट करना है। ठीक अगर है आपने A4 साइज पेपर लिया है तो बराबर बैठना चाहिए। मैं A4 के ही पेपर पे कर वाला रही हूँ। ये कौन सा वाला फिगर है ये नीचे वाला? A3 साइज को आधा करके यूज किया है, चलेगा ना? हाँ तो बराबर है ना, A3 का आधा A4 हुआ। ओके मैम। इसके बाद उसका जो टेल है उसका हम लोग यहाँ पे शैडो पार्ट सॉरी उसका हम लोग यहाँ पे शैडो पार्ट ड्रॉ करेंगे। इधर विल टेक हियर अगेन लंपटी कर्व इन द टेल पार्ट उसका जो विंग पार्ट है यहाँ पे भी आप ऐसे लंपटी से कर्व कनेक्ट करोगे। And this all extra lines you are going to erase here. So shadow should be like this. मैं 1 मिनट वेट करूंगी, उसके बाद हम लोग यहाँ पे शेडिंग शुरू करेंगे। मैम बोर्ड और शैडो के बीच बेली 1 सेंटीमीटर की स्पेस है, क्या है? बर्ड और शैडो के बीच बेली 1 सेंटीमीटर स्पेस है। क्या करे? आपने पेपर साइज क्या लिया है? A4। हाँ फिर A4 में एक्चुअली बर्ड और शैडो उसके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस चाहिए। मैं दिखाती हूँ। आप एक काम करो, नीचे से अगर आपका डिस्टेंस जो है नीचे का जो आपका डिस्टेंस है यहाँ पे 3 फिंगर मत छोड़ो, यहाँ पे थोड़ा कम छोड़ो और फिर शैडो बनाओ। मैंने 2 फिंगर ही छोड़े हैं मैम। ठीक है चलो जो भी है अभी कर लो, फिर बाद में समझ में आया तो और एक बनाना। ठीक है ठीक है, यहां तक सबका हुआ। अगर आपको ऐसे लगता है आपका बर्ड यहाँ पे बहुत कनेक्ट हो रहा है तो आप उसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर सकते हो। अब आपने ऊपर का बर्ड कितना बड़ा बनाया है उसके ऊपर सारा डिपेंडेबल है। आई विल वेट हियर फॉर अ मिनट, आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट योर नॉर्मल शेडिंग पार्ट।
हाँ यहाँ पे हम लोग को शेडिंग के लिए 6B पेंसिल लगेगा. वी नीड योर 6B पेंसिल फॉर द शेडिंग. मैम हाँ माझा बरोबर आहे का? एक एक मिनट हा बेटा, माझं थोडस गॅप मला कमी वाटला, मी परत काढतीये, एक 2 मिनिट थांब. एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम मैं अभी ज्वाइन हुई तो प्लीज आप शॉर्ट में बता सकते हो कैसे किया आपने? निशानी, बर्ड ड्रॉ करना है, माइक म्यूट करो प्लीज. बर्ड ड्रॉ करना है अपसाइड का, सेंटर लाइन ड्रॉ करो. आंचल बराबर है, सेंटर लाइन ड्रॉ करो. सेंटर लाइन के ऊपर पहले छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, बीक आईज. उसके बाद पहले ये नीचे वाला, उसका जो टेल के वहां का फेदर है वो फेदर. अप साइड में 2 माउंटेन्स यहाँ पे, और फिर ये वाला फेदर आपको कंटिन्यू करना है. थैंक यू मैम. ओके, सो बर्ड का शेडिंग पार्ट यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं. आपको यहाँ पे पेंसिल लगेगी 6B पेंसिल, कॉटन, या फिर आपको पेपर ब्लेंडर का यहाँ पे करना. यस ते खालसा दाखवा ना. बेटा, आपण आधी काय सुरू करू, मग खालसा करताना खालसा बघ. होणार नाही 2 कंप्लीट. बर्ड का शेडिंग शुरू करें हम लोग. माझा बर्ड तो ऑलमोस्ट सब. यस बेटा, बर्ड सबका फिनिश है. मैम, कैन यू प्लीज वेट 1 मिनट? आरव बरोबर है, बरोबर है आरव. त्यात काही चुकीचं आहे का माझं? अरे बरोबर आहे तुझं. ओके बर्ड ला मॅम. शेडिंग करो, मग शॅडो लक्षात येईल. मॅम मेरा ठीक आहे. मॅम मैम हाँ, आज सबका अपन ठीक ठीक लग रहा है. आर्या बराबर है, और बराबर है, कामिनी नाम से कौन आया है उनका भी बराबर है. स्वर्णिका करेक्ट है, अवधि करेक्ट है, तनिष्का बराबर है. बेटा ये बहुत सिंपल ड्राइंग है, आप कर सकते हो. स्केचिंग कंप्लीट हुआ है हमारा. क्षितिज, भाविका, रितिका, वैदही, निकम, श्रीजा बरोबर है, चेतना दीक्षित करेक्ट है आपका भी, सिया ओके. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर द शेडिंग पार्ट. फॉर द शेडिंग वी रिक्वायर्ड हियर 6B और 8B पेंसिल. एवरीवन प्लीज म्यूट द माइक. एवरीवन प्लीज म्यूट द माइक. था कीवा बराबर लग रहा है बेटा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर द शेडिंग पार्ट. फॉर द शेडिंग पार्ट वी रिक्वायर्ड हियर 6B और 8B पेंसिल. 6B और 8B. आपको पेंसिल होल्ड कैसे करना है, जो नए बच्चे हैं वो एक बार यहाँ पे देख लो. हाउ यू आर गोइंग टू होल्ड द पेंसिल. आपको पेंसिल को नीचे रखना है, आपको पेंसिल को नीचे रखना है. टेक योर 2 फिंगर्स लाइक दिस. ये 2 फिंगर को ऐसे पकड़ो जैसे चिमटे में कुछ पकड़ने वाले हो, और वो 2 फिंगर से आपको पेंसिल पकड़ना है. मीन्स यू आर गोइंग टू होल्ड योर पेंसिल लाइक दिस विथ ओनली दिस 2 फिंगर्स. डन. इसके बाद जब हम लोग शेडिंग शुरू करते हैं तो आपको क्या करना है, इस विंग्स में से नीचे से एक मिडल टोन को देना है. मैम कौन तो पेंसिल? 6B और 8B, एनी वन पेंसिल यू कैन यूज हियर. जो उसके विंग्स है उसमें आपको एक मिडिल टोन देना है.
विंग्स में डाउन साइड के जो कर्व लाइन बनाए हैं यहाँ पे आपको मिडिल टोन देना है। उसके बाद नीचे टेल के वहां पे जो विंग्स है यहाँ पे भी आप एक मिडिल टोन दोगे। उसके बॉडी के अराउंड जो एरिया है उस एरिया को भी आप एक मिडिल टोन से फिलअप करोगे। After that, in the bird body part, randomly you are going to take a little strokes here. Ma'am, can I use 3P because my 6P is coming very dark? Okay, you can. ओके आफ्टर दिस आपको क्या करना है, अंदर के सर्कल पार्ट में थोड़ा शेड करो। आईज को आपको डार्क करना है पेंसिल से ही, और बिग को भी आपको पेंसिल से डार्क करना है। आईज एंड बिग यू आर डूइंग लिटिल डार्कर विद द पेंसिल बिग, एंड इन द स्मॉल सर्कल पार्ट ओनली अप साइड यू आर गोइंग टू मेक अ लिटिल शेड। अब ये हमारा बेसिक टोनिंग पार्ट कवर हुआ। ये हमारा बेसिक टोनिंग पार्ट कवर हुआ। अब हम लोग यहाँ पे इसमें डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग के लिए आप सेम पेंसिल यूज करोगे, डार्कर पेंसिल विच वन यू आर हैविंग, डार्क पेंसिल लगेगा डिटेलिंग के लिए। अब हम लोग बर्ड का जो विंग बनाए हैं उस विंग को थोड़ा सा डार्क करेंगे वन साइडेड, यानी सिर्फ ये जो कर्व है इस कर्व को आपको डार्क करना है। ईच एंड एवरी कर्व वी आर गोइंग टू मेक लिटिल डार्क। यहाँ का वर्किंग हम लोगों का होने के बाद जो बॉडी का बड़ा सर्कल था उस बड़े सर्कल के साइड में भी आपको थोड़ा सा डार्क शेड करना है, और उसे धीरे धीरे लाइट में मर्ज करना है। जो आपको बेसिक स्केचिंग में सिखाया गया था डार्क टू लाइट टोन, यू आर गोइंग टू यूज हियर द सेम टोन। सेम थिंग यू आर डूइंग ऑन अनदर साइड ऑल्सो। बड़े सर्कल के साइड से डार्क करो और फिर उसे फेंट फेंट करके विंग्स में मर्ज करो। सेकेंड विंग भी आपको सेम स्टाइल से करना है। यू आर गोइंग टू टेक मैम,
Yes. Ma'am, I'm sorry, I missed. Which did you do the dark outlining of the bumper decals and its wings? Both wings, No, one ma'am. side like this, Okay, ma'am. Okay, thank you, ma'am. one side only. Hold it on the corner, take a turn and take that line upside. Again, turn and upside. दोनों विंग्स को आपने ऐसे डार्क किया, दोनों स्टमक साइड में आपका वर्किंग हो गया। इसके बाद उसका जो स्टमक है और नीचे का ये जो विंग्स है, डाउन साइड के विंग्स में भी, प्लीज म्यूट द माइक, समवन्स माइक इज ऑन। मैम, डाउन साइड का जो विंग है, यस विच वर्ड इज दिस? कंप्लीट होने दो बेटा, आप ही मुझे बोलोगे। डाउन साइड का जो उसका फेदर है, वहां पे भी आपको थोड़ा सा डार्क करके फेदर में नीचे लाइट लाइट करना है। और द लास्ट फेदर ऑल्सो यू आर डूइंग लिटिल डार्कर विथ अ कर्व्स। एट द एंड यू मेड हियर द लेग्स, तो लेग्स को आपको थोड़ा सा डार्क करना है। जो हम लोगों ने लेग्स बनाए थे, उस लेग्स को आपको थोड़ा सा डार्क करना है। द लेग्स पार्ट डन हियर। इनसाइड का जो सर्कल है, उस सर्कल को आपने यहां से शेड किया थोड़ा सा। समझा कौन है? ठीक है, अभी अभी काम, फटाफट काम, मैं थोड़ा स्पीड में लेने वाली हूँ। बेसिक शेडिंग हम लोग का यहाँ पे कवर हुआ है। इसके बाद आपको एक तो ब्लेंडर यूज करना है, ईयरबड यूज करना है या फिर कॉटन यूज करना है। एंड यू आर गोइंग टू मर्ज द होल पार्ट हियर। नाउ आई एम यूजिंग योर द ब्लेंडर पार्ट। मैं यहाँ पे ब्लेंडर यूज कर रही हूँ और ब्लेंडर से मैंने ये जो शेडिंग किया है, इसे थोड़ा थोड़ा मर्ज कर लिया है। एट द एंड वी आर गोइंग टू डू हियर द हाईलाइटिंग, बट दैट एट द एंडिंग पार्ट। आप चाहिए तो यहाँ पे कॉटन भी यूज कर सकते हो। जब आप ब्लेंडिंग करते हो तो उसके विंग्स और भी अच्छे दिखना शुरू होते हैं। एक पिक्चर में धीरे धीरे फिनिशिंग आना शुरू होगा। नॉर्मल कॉटन से भी मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ। मैम दिखा सकते हो क्या हुआ? मैम, ब्लेंडर के साथ एक और बार विंग दिखा सकते हो? बेटा नॉर्मल ब्लेंडर है, उसका पॉइंट नहीं यूज करना है, ये वाला थिक पार्ट यूज करना है और उसको आपको सिर्फ ऐसे ब्लेंड करना है पूरा पार्ट।
उसके बॉडी में जहां जहां हम लोगों ने थोड़ा सा टोनिंग दिया है उसको भी आपको मर्ज करना है। मैम कुठे करायचं आहे? सगळं ब्लेंड करून झालं। हाँ ओके चलो अब हम लोग यहाँ पे हाइलाइटिंग पार्ट शुरू करते हैं। हाइलाइटिंग पार्ट के लिए हमें एक शार्प इरेजर लगेगा। अगर आपके पास शार्प इरेजर नहीं है तो कटर के साथ आप इरेजर का एक कॉर्नर कट करो, आपको शार्प एजेस मिल जाएंगे। शार्प मैम इरेजर के साथ प्लीज म्यूट द माइक इन बिटवीन। ओके इरेजर के साथ जब हम लोग हाईलाइट करेंगे तो सबसे पहले वाला हाईलाइट अपसाइड में आएगा। जो अपसाइड माउंटेन पार्ट जैसा चीज है हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ, यहां से जो हाईलाइट शुरू होगा बॉडी पार्ट के सर्कल में थोड़ा एंड देन अपसाइड अगेन। सबसे मेन यहाँ पे हाईलाइट जो है दो है, एक ये अपसाइड वाला है और दूसरा जो है वो विंग्स का है। विंग्स में आपको हर एक पार्ट में एक हाईलाइटिंग करना है। डार्क लाइन के वहां पे वन साइड, जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में हाइलाइटिंग करना शुरू किया है, हाईलाइट का लाइन आप वो भी जैसा पेंसिल लाइन ऊपर में छोड़ते हो वैसे हाईलाइट का लाइन भी आपको ऊपर में छोड़ना है। दोनों विंग्स में आपको हाईलाइट करना है। इसके बाद फेस में आपका थोड़ा सा उसके हाईलाइट आएगा एंड बॉडी में रैंडमली यू कैन मेक टू थ्री लाइंस सी एंड अपोजिट सी कर्व। मैम कैन यू रिपीट, आपने सी वाले कर्व्स का हाईलाइटिंग किया? यहाँ पे जो सर्कल उसका बॉडी पार्ट बनाया है यहाँ पे रैंडमली आपको दो या तीन सी और यहाँ पे अपोजिट सी कर्व वैसे लेना है रैंडमली। ओके मैम बर्ड पार्ट यहाँ पे कवर हुआ। बर्ड के बाद हम लोग यहाँ पे शैडो पार्ट करेंगे। आपको शैडो में पर्टिकुलरली करना क्या है? शैडो में हमें बहुत डिटेलिंग में वर्किंग नहीं करना है। शैडो करते वक्त आपको नॉर्मल पेंसिल पकड़ना है जैसे मैंने बताया है ऐसे, इसको थोड़ा आगे लो एंड
नॉर्मली मेक योर अ शेप, मिडिल टोन आपको इस मार्किंग में देना है जहां पे हम लोगों ने मार्किंग किया हुआ है. मैम विच पेंसिल? सेम 6B. ओके मैम, वो जो फर्स्ट मतलब वो जो ओरिजिनल बर्ड जैसे वो हमने वो फेदर्स बनाए थे, वो आपने इरेज किए क्या? हाँ उसी के ऊपर आप नॉर्मल शेड कर लो, इसे हम लोग ब्लेंड करते वक्त उसमें हो जाएगा फेदर. ओके मैम. मैम थोड़ा खाली गया ना? खाली शेडो करते है ना बेटा अपन? हाँ तेज खाली. हाँ खाली नहीं वर. इसमें आपने थोड़ा सा और डार्क टोन कवर किया है मिडिल टोन से वन स्टेप आगे. अब जैसे हमेशा से मैं आपको बोलती हूँ कि शैडो जो है उसका पर्टिकुलर एज नहीं दिखता है, यानी जो ड्राइंग लाइन है वो कभी भी शैडो की नहीं दिखती है. जब हम लोग शैडो ब्लेंड करेंगे तो उसको धीरे धीरे आपको पेपर में मिक्स करना है. सो आई एम गोइंग टू टेक योर अ कॉटन, कॉटन का बॉल लो, उसको हाथ में रख के एक ऐसे बॉल बना लो. टाइट बॉल बनने के बाद उसको हाथ में पकड़ के आपको स्लिपिंग स्लिपिंग से इस शैडो को पेपर में मर्ज करना है लाइक दिस. मैम वो आउटलाइन नहीं आ रही है उसको, थोड़ा शेप के बाहर. हाँ बराबर है ना, तो जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है उसके बाहर बाहर ही तुझे शैडो को लेना पड़ेगा, तो ही वो पेपर में मर्ज होगा और उसको आउटलाइन नहीं दिखेगा. वो आउटलाइन हम लोगों ने हमारे लिए ड्रॉ किया था कि ऐसे बर्ड का शैडो दिखेगा, तो हम लोग इतने में डार्क टोन या मिडिल टोन देंगे. टोनिंग किया, वो आउटलाइनिंग का काम खत्म हो गया. अब इसे हम लोग ब्लेंड करेंगे ऐसे. मैम हम हाइलाइटिंग भी करेंगे शैडो की? नहीं शैडो में हाइलाइटिंग नहीं रहता है. ओ थोड़ा सा अगर आपको कहीं पे लगा कि बहुत हो गया, जैसे यहाँ पे एक पार्ट है बिक का पार्ट, बिक के पार्ट में ब्लेंड करते वक्त हमेशा वो बाहर चला जाता है, तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा ऐसे इरेज करके बिक का शेप देना है तो दैट इज फाइन. बाकी शैडो में हाइलाइटिंग नहीं आता है. ओ ओके मैम. एक मिनट रुकती हूँ, इसके बाद हम लोग इसका कटिंग करेंगे इस पेपर को, और कटिंग के बाद ड्राइंग जो बनाया है उसमें 3D लुक कैसे कवर अप होता है या कैसे दिखता है वो हम लोग सीखेंगे. आई वेट यू फॉर अ मिनट, आफ्टर दैट आई स्टार्ट योर कटिंग पार्ट. मैम कैन वी यूज सीजर्स फॉर कटिंग? सीजर ही यूज करेंगे या फिर पेपर कटर, जो भी आपके पास है. अब आपको कटिंग क्या करना है, अपसाइड का जो ये पार्ट है, प्लीज माइक म्यूट रखो बच्चा. अपसाइड का ये जो पार्ट है इसे आपको कट करना है. बॉडी के ऊपर का जो पार्ट है विंग का, उसे आपको कट करना है. उसके बाद यहाँ पे मैं स्केल के साथ आपको एक लाइन मार्क देती हूँ. जो आपके विंग्स है, एवरीवन प्लीज लुक एट माय स्क्रीन. आपका जितना भी हुआ है काम रुक जाओ, प्लीज लुक एट माय स्क्रीन. नीचे का जो लेग्स के वहां पे विंग है, उस विंग में आपको ऐसे एक स्लिपिंग लाइन लेना है. सबसे पहले
स्लिपिंग लाइन लेने के बाद यहाँ से इस साइड से करीब आपको 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ना है और इस साइड से भी आपको 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ना है। मैम यस मेरा सही मैम मेरा करेक्ट है क्या? बेटा एक मिनट, जो आगे का ड्रॉ कर रहे वो करो बेटा, मैं एक मिनट में बात देखती हूँ। ओके यहाँ पे जब आप ऐसे ड्रॉ करोगे लाइन मार्क, एक नॉर्मल लाइन मार्क ड्रॉ किया जहां पे उसका डाउन साइड का विंग आ रहा है, स्लिपिंग लाइन दोनों साइड से 3-3 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिया और ये जो 3 सेंटीमीटर का पॉइंट है वो नीचे के कॉर्नर में मैंने कनेक्ट किया। अब आपको क्या देखना है कि बर्ड का विंग कहाँ पे आता है। अगर आपका बर्ड का विंग 3 सेंटीमीटर के भी बाहर जाता है तो आपको इसे थोड़ा सा विंग के हिसाब से एडजस्ट करना है। जैसे विंग पे मैंने स्केल रखा यहाँ पे ऐसे, एंड आई टेक योर लाइन अब आपको ये काउंट करना है कितना है। मैम मेरा आया है अराउंड 2 सेंटीमीटर। मैम मेरा एग्जैक्ट मैम मेरा एग्जैक्ट एंडिंग पॉइंट है। मैम मेरा थोड़ा सा अंदर से ले लो बेटा आप। हाँ पर मैम मेरा एक प्रॉब्लम हुआ है कि मैंने ना मतलब मेरा जो दूसरी वाली बाजू है ना उसको करने की जरूरत ही नहीं है ठीक तो, है। मैम जो पॉइंट आपने बनाया है उसके ऊपर एग्जैक्ट है मेरा विंग। ठीक है मैम देन लेट इट बी। आगे तक माझे विंग्स तुम्ही पण नीट करू का कराव देऊ? नाही खूप बाहेर जात असेल तर थोडासा वाढव, नॉर्मल असेल तर मग राहू दे। स्नेहा 3 सेंटीमीटर कुठपासून घेतलं तू? इथून बॉर्डर लाइन पासून। ओके या फिर आप एक काम करो, एक सिंपल वे, विंग के ऊपर यहाँ पे पॉइंट पेंसिल और स्केल रखो और नीचे के पेपर का जो डॉट है ये कॉर्नर यहाँ पे पेंसिल होल्ड करो एंड टेक अ लाइन। आपको ऐसे लाइन मार्क करना है जहां पे विंग खत्म हो रहा है पेंसिल कॉर्नर एंड टेक अ लाइन हियर स्लांट लाइन। डन। अब आपको ऊपर का जो आउटर पार्ट है नीचे का शैडो के वहां का रेक्टेंगल छोड़ के ऊपर का आउटर पार्ट पूरा कट करना है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर कटिंग पार्ट। एवरीवन क्लियर विद दिस? बर्ड का अपसाइड का जो पार्ट है शैडो पार्ट छोड़ के ऊपर का रेक्टेंगल छोड़ के ऊपर का जो पार्ट उसका आपको कटिंग करना है पूरा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर द कटिंग फ्रॉम द कॉर्नर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू कट दिस स्लांटिंग लाइन। मैम जो लाइन मार्क बनाया मतलब वहां से मतलब स्टार्ट करना है? कहीं से भी स्टार्ट करो, वो ऊपर का पार्ट आपको कट करना है। ओके ये देखो जैसे मैंने बर्ड का विंग्स का अपसाइड का पार्ट कट किया ऐसे आपको पूरा कटिंग करना है। मैम हमें पूरा बर्ड कट आउट करना है अपसाइड से। ओह ओके okay.
ओके okay, जिसको जिसको कटिंग में डाउट है एक बार यहाँ पे देख लो। ये जो हम लोगों ने साइड के स्लांट लाइन बनाए थे यहाँ से मैंने कटिंग शुरू किया, ये पार्ट आपका कनेक्टेड ही रहेगा, लेग्स और नीचे का विंग्स पार्ट, और अप साइड के पार्ट्स आपको कट करना है। अगर आपके पास पेपर कटर है तो उससे भी बहुत अच्छा कटिंग होता है। टीचर मला कटिंग म्हणायचं कळालं नाही, मार्किंग आणि त्याच। एक मिनिट थांबा, माझं एवढं झालं की मी दाखवते। मैम इतना कट करना है? बेटा एक मिनट मेरा होने दो, मैं दिखाती हूँ। ये देखो वन साइडेड कटिंग मेरा डन हुआ है यहाँ पे दिस साइड। श्रीजा हैव अ लुक फास्ट, यहाँ का स्लांट लाइन और यहाँ का विंग्स का पार्ट, ऐसे यहाँ का कटिंग करना है आपको। मैम व्हाई वी नीड टू कट? 3D पिक्चर का जो इफेक्ट रहता है वो कटिंग के बाद ही आता है। मैम है ऐसा हो? ये देखो मेरा वन साइडेड पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ है कटिंग करके लेफ्ट हैंड का। अगर किसी को कुछ डाउट है प्लीज चेक द स्क्रीन। लेफ्ट हैंड का मेरा कटिंग कंप्लीट हुआ है, ऐसे ही आपको लेफ्ट और राइट दोनों कंप्लीट करना है। यस ग्रंथा, मैम ये ठीक है? एक सेकेंड। हाँ हाँ मैम ये ठीक है। एक मिनट मैं मेरा इतना कटिंग फिनिश करती हूँ, प्लीज गिव मी वन मिनट ओनली।
प्लीज म्यूट द माइक, समवन माइक इज ऑन. Ma'am, I'm not able to hear you. Ma'am. Wait for a minute, bacha. Okay, ये मेरा cutting part यहाँ पे cover हुआ. मेरा एक सेकेंड. सबको देख रहा है यहाँ पे मेरा? हाँ मैम. ओके मैम, मेरा कैसा है? अच्छा लग रहा है मैम. मेरा अब नहीं अच्छा लग रहा. जस्ट अ मिनट, मैं सबका देखती हूँ. सिया करेक्ट है, स्वानिका करेक्ट है, तनिष्का बराबर है. सब लोग मुझे एक साथ दिखा सकते हो? मैम एक मिनट. नहीं मैम, मेरा पूरा कटिंग नहीं हुआ है, एक मिनट. ठीक है. ठीक है, अच्छा लग रहा है. जितने लोग मुझे दिखा रहे हैं उनका बहुत अच्छा दिख रहा है. अनन्या आपने कटिंग नहीं किया, कटिंग करने के बाद इसका इफेक्ट और अच्छा आएगा. और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बैक साइड में डार्क कलर का पेपर होना चाहिए. बैक साइड में जैसे मैंने आज ब्लैक कलर का पेपर रखा है, अगर आप ऐसे कोई ब्लैक या कोई डार्क कलर के पेपर के ऊपर आपका पिक्चर रखते हो और फोटो निकालते हो, तो जब आप मोबाइल में देखोगे तो वो 3D पिक्चर ही दिखेगा. आज सबके लिए एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब लोग आपका 3D पिक्चर आपके फोटो के साथ मुझे पोस्ट करेंगे. यू आर गोइंग टू पोस्ट योर पिक्चर विथ योर पिक. सिद्धि छान आल है. ओके मैम. मैम शैडो को आप थोड़ा सा ब्लेंड करो, जो जो लोग दिखा रहे हैं थोड़ा शैडो ब्लेंड करोगे और अच्छा दिखेगा. यस मैम, मेरा ठीक लग रहा है. क्या बात है आर्या, मस्त हाल है. अनुष्का अच्छा लग रहा है, अनवीक अच्छा लग रहा है. और कौन दिखा रहा है? और कोई नहीं दिखा रहा है. अब मैं ईशानी हूँ, दिखा रही हूँ. हाँ मैम मैं ईशानी हूँ, आप मेरा देख सकते हो? हाँ निका, कहाँ आपका वीडियो ऑन नहीं है बेटा? हाँ हाँ दिखा दिखा दिखा, अच्छा लग रहा है. मीपन ओके हो आचल शांत इस तरह. ओके नाउ एवरीवन प्लीज शो मी टुगेदर. आपका जितना हुआ है उतना दिखाओ मुझे साथ में. एवरीवन प्लीज प्लीज शो मी टुगेदर. आपका जितना हुआ है उतना साथ में दिखाओ. हाँ मैं अपना कैमरा सेट कर रहा हूँ. हाँ जल्दी जल्दी, जिसका भी जितना भी हुआ है, जितना कंप्लीट हुआ है उतना दिखाओ. कटिंग बाकी है तो भी चलेगा, जस्ट होल्ड इट अपसाइड. ओके वेरी नाइस मैम, कैन यू सी माय कटिंग? यस वेरी गुड चेतना, अच्छा लग रहा है. चेतना थोड़ा डार्क टोन करो मैम. कैन यू सी माइन? मैम कैन यू सी माइन? एक सेकंड चेतना, एक्चुअल बर्ड में थोड़ा डार्क शेडिंग चाहिए. शैडो है ना,
शैडो ठीक है, बर्ड के विंग्स में डार्क डार्क लाइन दिखना चाहिए। मेरा बर्ड कीवा अच्छा लग रहा है आपका भी। अपडेट अच्छा लग रहा है मैम। मेरे को पूछ रहे थे अपने बर्ड बता। मैम मेरा मैम मी पर अल्लाह बैकग्राउंड। मैम ओके बर्ड कौन सा? क्या बात है, भारी मस्त रिश्ता है। अच्छा सब लोगों को आज मैं प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। एवरीवन प्लीज, एवरीवन प्लीज, मैम प्लीज लिसन जस्ट फॉर अ मिनट। प्लीज एवरीवन म्यूट द माइक। Now we are going to just finish our basic sketching class, and next we are going to start your advanced sketching class. For that advanced sketching class, we are going to learn it here the proper face. उसके बाद rapid sketch कैसे करते हैं, charcoal का use किस तरीके से करते हैं, full body structure कैसे draw करना है, half body में working क्या करना है. So I'll show you a small PPT. Have a look. Ma'am. Okay, thank you everyone for being with us. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am, for the class. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. 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 Bye, ma'am. Ma'am, I want to ask something. विचारायचे की जो तो क्लास म्हणजे जो तो प्रेझेंटेशन दाखवला आता तो म्हणजे आपल्याला तो क्लास लावायचे की तो क्लास याच्यातच कंटिन्यू होणार असते? हा क्लास बेसिक स्केचिंग आपला क्लास संपला, आता हा ऍडव्हान्स क्लासेस काय सुरू होणार आहे तो वेगळा क्लास आहे। 26 जून पासून तो सुरू होणार आहे अँड दॅट इज ओनली फॉर सॅटरडे संडे बिकॉज युअर स्कूल्स आर गोइंग ऑन। Yes, so Saturday, Sunday afternoon timing is there, and we are. Ma'am, what are the timings? Yes. Ma'am, Saturday. What are the timings? Timing 2 to 3:30, 2 PM to 3:30 PM. Ma'am, okay, ma'am. Didtas. Didtas, yes. Ma'am, timing मतलब कितनी है मतलब class date का है? बेटा total 14 sessions है तो 1/4 26 yes so 26 21 hour ka class hai to isme 26 january ko class shuru hoga। okay ma'am, excuse me ma'am। yes beta is sabka detail jo hai maine group pe dala hai, ek bar check karna sab log। ma'am 26 january nahi 26 june। ha 26 june saturday ko shuru hoga। yes ma'am। मैम ये सब 2 से 3:30 की कोई और टाइम पे भी है? नहीं बेटा, एक ही बैच शुरू करेंगे 2 to 3:30 एंड लिमिटेड सीट्स, ओनली 15। मैम अभी कितने सीट्स तो फुल हो चुके हैं आपके? यस बेटा, अभी कितने सीट्स फुल हो चुके हैं आपके? आई थॉट 6 मे बी। हाँ मैंने कल 6 6 छः। ठीक है, मतलब अभी टाइम है, मैं कर लूंगा। यस 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 ओके चलो, थैंक यू सो मच। बाय मैम, एवरीवन एंजॉयिंग द क्लास। बाय बाय।
चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय मैम, थैंक यू।